हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं स्टडी सेंटर। आज के इस लेसन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पाइप एंड क्रिस्टन। दोस्तों, पाइप एंड क्रिस्टन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा सिमिलर है टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आपका टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेक श्योर कि आप मेरे पिछले दो वीडियो को देख लीजिए, जहां पे मैंने टाइम एंड वर्क को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हमेशा की तरह लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें। बट दैट बीइंग सेड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। क्वेश्चन नंबर वन बोल रहे टू पाइप्स A and B can fill a tank in 15 and 20 minutes. Both pipes are open together, but after 4 minutes, A pipe को बंद कर दिया गया। तो टंकी को फुल होने में कितना टाइम लगेगा? जैसे कि टाइम एंड वर्क में हम लोग करते थे, A अकेले can do a work in 50 minutes and B alone can do a work in 20 minutes. और यहाँ पे हमारा वर्क क्या है? To fill the tank. तो फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करते थे कि टोटल वर्क फाइंड आउट करते थे। टोटल वर्क जो होता था LCM of these two होता था। तो इन दोनों का LCM कितना हो जाएगा? 60. तो टोटल वर्क हमारा आ जाता था 60 यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग टोटल वर्क नहीं कंसिडर करके क्या करेंगे? टैंक की कैपेसिटी। तो टैंक की कैपेसिटी जो है 60 यूनिट है। नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या करते थे कि हम लोग निकालते थे एक दिन का वर्क। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एक मिनट में कौन सा पाइप कितना टंकी को फुल करता है। तो ए जो है 15 मिनट्स में टंकी को पूरा फुल कर देता है, तो एक मिनट में वो 4 यूनिट पानी ही भर पाएगा। उसी तरह बी 20 मिनट्स में पूरा टंकी को फुल कर देता है, मतलब एक मिनट में वो 3 यूनिट पानी ही भर पाएगा। तो टोटल दोनों मिलके एक मिनट में 7 यूनिट पानी जो है भर रहे हैं। क्वेश्चन में बताया गया कि दोनों मिलके 4 मिनट तक चले हैं, मतलब दोनों मिलके 28 यूनिट जो है पानी उन्होंने भर लिया है। बाकी का जो बचा हुआ है विच इज 32 यूनिट्स, उसको भरना है किसने? बी ने, अकेले ने भरना है। बी एक मिनट में 3 यूनिट पानी भर लेता है, तो उसको 32 यूनिट भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? दैट इज 10 मिनट्स एंड 2/3। जो 2/3 है वो हमारा हो जा रहा है 40 सेकंड्स। तो बी अकेली को रेस्ट ऑफ द टैंक भरने के लिए 10 मिनट और 40 सेकंड लग जा रहे हैं। जो टोटल टाइम जो है टैंक को फुल होने में वो लग जाएगा 14 मिनट्स एंड 40 सेकंड, क्योंकि पहले 4 मिनट वो दोनों पाइप ओपन थे। सो 10 प्लस 4 इज 14 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स। करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं थ्री पाइप्स ए बी सी कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। बोल रहे हैं आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स पाइप सी इज क्लोज्ड एंड ए एंड बी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर्स। पूछ रहा है कितने घंटे लगेंगे सी को अकेले टैंक को फिल करने में। इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों, ए बी और सी तीनों मिलके एक खाली टैंक को फुल कर लेते हैं 6 आवर्स में। तो तीनों मिलके 2 घंटे चले, मतलब 2/6 पार्ट्स जो है उन्होंने काम कंप्लीट किया, मतलब 1/3 पार्ट्स काम उन्होंने कंप्लीट किया है। फिर बोल रहे हैं जो रिमेनिंग पार्ट है, मतलब 2/3 पार्ट जो वर्क है उसको ए एंड बी ने खत्म किया 10 घंटे में। तो 2/3 काम को करने में उनको 7 आवर्स लगते हैं, तो 1 वर्क करने में उसको लगेंगे 21/2 आवर्स, मतलब 7 × 3/2 21/2 आवर्स, मतलब 10.5 आवर्स। तो ए एंड बी को उसी काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? 10.5 आवर्स। अब मुझको खाली इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो 10.5 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 42 यूनिट। इस पार्ट को थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। तो ए बी सी तीनों मिलके 6 घंटे में 42 यूनिट वर्क कर रहे हैं, तो 1 घंटे में वो करेंगे 7 यूनिट ऑफ वर्क। ए बी दोनों मिलके 10.5 आवर्स में 42 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 1 आवर में वो लोग करेंगे 4 यूनिट ऑफ वर्क। 42 / 10.5 = 4। तो यहाँ पे अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा सी जो है 1 आवर में करेगा 3 यूनिट ऑफ वर्क। तो टोटल वर्क है 42 और सी 1 घंटे में 3 यूनिट कर रहा है, तो सी को अकेले टंकी फुल करने में लगेगा 42/3 विच इज 14। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं पंप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 2 आवर्स। लेकिन वहां पे एक लीकेज था, इसीलिए उसको 2.5 आवर लगे उसी टैंक को फिल करने के लिए। तो बोल रहे हैं उस लीकेज को पूरा पानी ड्रेन आउट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि टैंक की जो कैपेसिटी थी वो 100 लीटर है। सो 2 आवर्स में जो पंप है 100 लीटर पानी अंदर डाल देता है, लेकिन पंप कितने टाइम चला? 2.5 आवर चला। तो 2.5 आवर में वो कितना लीटर पानी अंदर डालेगा? दैट इज 100 / 2 × 2.5। तो ये हो जाएगा अपना 125 लीटर्स। तो यहाँ पे पंप ने 2.5 आवर्स में जो है 125 लीटर्स पानी अंदर डाला है, लेकिन टैंक की कैपेसिटी है 100 लीटर, मतलब उसने जो है 25 लीटर एक्स्ट्रा पानी फिल किया है। ये 25 लीटर एक्स्ट्रा पानी गया कहाँ? इसको निकाला है लीकेज ने। कितने टाइम में निकाला है? 2.5 आवर्स में निकाला है। तो लीकेज को 25 लीटर्स पानी निकालने में लग जा रहा है 2.5 आवर्स।
टैंक की कैपेसिटी है 100 लीटर, तो 100 लीटर पानी निकालने में लीकेज को कितना टाइम लगेगा? 2.5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये हमारा हो जाएगा 10 आवर्स. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी. दोस्तों मैंने यहाँ पे टैंक की कैपेसिटी 100 लीटर एज्यूम की है, लेकिन आप टैंक की कैपेसिटी कुछ भी एज्यूम करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो. 100 लीटर एज्यूम करने से मेरा जो है समझाना इजी हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 लीटर एज्यूम किया है. क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं, टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 24 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, एंड अ वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 3 गैलन्स पर मिनट. बोल रहे हैं कि ऑल थ्री पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट्स, देन द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज व्हाट. पहला पाइप को ए ले लेते हैं, ए जो फिल करता है टैंक को 20 मिनट्स में कर लेता है. उसी तरह दूसरा पाइप जो है बी है वो फिल कर लेता है 24 मिनट्स में. तीसरा पाइप जो है पानी निकालता है, और तीनों पाइप मिलके जो है टंकी को 15 मिनट्स में फिल कर लेते हैं. मतलब ए प्लस बी माइनस सी इज 15 मिनट्स. यहाँ पे माइनस साइन इसलिए क्योंकि ये जो सी पाइप है वो पानी को निकालता है ना कि ऐड करता है. तो पहला चीज इन तीनों को एलसीएम ले लेते हैं, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ द टैंक हो जाएगा 120 यूनिट्स. ठीक है, फिर निकालते हैं इनका एक मिनट में वर्क, एक मिनट में ये लोग कितना फिल करते हैं ये निकाल लेते हैं. तो पाइप ए जो है एक मिनट में करेगा 120 डिवाइड बाई 20 इज 6 यूनिट फिल करेगा. उसी तरह पाइप बी एक मिनट में करेगा 5 यूनिट फिल, और ए प्लस बी माइनस सी एक मिनट में करेंगे 8 यूनिट फिल. सो 6 प्लस 5 माइनस सी इज इक्वल टू 8 यूनिट. सो 11 माइनस सी इज इक्वल टू 8 यूनिट. सो सी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 3 यूनिट. मतलब सी जो है एक मिनट में 3 यूनिट पानी निकाल दे रहा है. यहाँ पे गिवन है कि सी जो है 3 गैलन ऑफ पानी एक मिनट में निकाल लेता है. मतलब एक यूनिट इज इक्वल टू 1 गैलन. उसी हिसाब से टैंक की फुल कैपेसिटी 120 यूनिट, तो हमारा आंसर होगा 120 गैलन्स. क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही सिमिलर से है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 40 आवर्स. क्या करना, टैंक की जो कैपेसिटी है उसको 100 लीटर ले जाना. तो इन नॉर्मल कंडीशन टंकी जो है 8 आवर्स में फिल हो जाती है, लेकिन ड्यू टू लीकेज टंकी को फुल होने में 2 आवर एक्स्ट्रा लगे, मतलब 10 आवर्स लगे. ये तो गिवन है और इसको आपको एज्यूम करना है और फिर सॉल्व करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था. क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं, वन पाइप कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप, और दोनों मिलके क्या 36 मिनट्स में टंकी को फुल कर लेते हैं. तो बोल रहे जो स्लोअर वन है उसको टंकी को फुल करने में कितना टाइम लगेगा. बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, अगर मैं पहले पाइप को ए नाम दूं, दूसरे पाइप को बी नाम दूं, तो मैं ये बोल सकता हूं अगर ए एक मिनट में 1 यूनिट पानी भर रहा है, तो बी एक मिनट में 3 यूनिट पानी भरेगा. 3 टाइम्स एज फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, तो दोनों मिलके एक मिनट में जो है 4 यूनिट पानी भर लेंगे. वो बोल रहा है कि टंकी दोनों मिलके 36 मिनट में फिल कर लेते हैं. मतलब 4 यूनिट इंटू 36, ये जो है क्या है, टैंक की कैपेसिटी है. दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक. अब वो पूछ रहा है कि स्लोअर टैंक अलोन विल फिल द टैंक इन हाउ मच टाइम. स्लोअर टैंक एक मिनट में कितना भरता है 1 यूनिट, और फिर उसको कितना टाइम लगेगा जो है टी. तो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 इंटू 36 विच इज 144 ऑप्शन सी. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आज हमने 6 ही क्वेश्चंस डिस्कस किए, क्योंकि पाइप एंड क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है पूरा सिमिलर है टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट के साथ, जिसका हम लोग ऑलरेडी 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके. तो बेमतलब का ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बन रहा. कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बस आपके साथ डिस्कस किए, दैट्स इट. बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा आप टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट लेसन हमारा होगा मिक्सचर एलिगेशन के ऊपर, तो मेक श्योर कि आप स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले जब भी हम मिक्सचर एलिगेशन का वीडियो अपलोड करें. बट दैट बीइंग सेड, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई लेसन्स. बाय बाय एंड टेक केयर.